दोस्तों आपने सुने होंगे कि सफलता के लिए भाग्यशाली होना जरूरी है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या सफलता के लिए भाग्यशाली होना जरूरी है? दोस्तों चलिए एक बदनसीब इंसान की कहानी सुनते हैं। दोस्तों एक आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में बुरी तरह असफल रहा, क्या वह भाग्यशाली था? 22 साल की उम्र में वह चुनाव हार गया, क्या वह भाग्यशाली था? 24 साल की उम्र में वह फिर से व्यापार में असफल रहा, क्या वह भाग्यशाली था? 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, क्या वह भाग्यशाली था? 27 साल की उम्र में वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, क्या वह भाग्यशाली था? 29 साल की उम्र वह स्पीकर का चुनाव हार गया, क्या वह भाग्यशाली था? 31 साल की उम्र में वह कलेक्टर का चुनाव हार गया, क्या वह भाग्यशाली था? 34 साल की उम्र में वह विधानसभा का चुनाव हार गया, क्या वह भाग्यशाली था? 40 साल की उम्र में वह फिर से विधानसभा का चुनाव हार गया, क्या वह भाग्यशाली था? 45 साल की उम्र में वह सीनेट का चुनाव हार गया, क्या वह भाग्यशाली था? 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया, क्या वह भाग्यशाली था? 49 साल की उम्र में वह फिर से सीनेट का चुनाव हार गया, क्या वह भाग्यशाली था? 49 साल की उम्र में वह फिर से सीनेट का चुनाव हार गया, क्या वह भाग्यशाली था? दोस्तों जिंदगी भर असफलता को झेलने वाला व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, क्या वह भाग्यशाली था? क्या आपको लगता है कि वह भाग्यशाली था? दोस्तों यह वही बदनसीब इंसान है जिसे आज दुनिया जानती है। दोस्तों उनका नाम है अमेरिका का महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। दोस्तों क्या मेरा फिर से यही प्रश्न है कि क्या सफलता के लिए भाग्यशाली होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। सफलता के लिए भाग्यशाली होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए दोस्तों ऐसे अनेक सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हुए हैं जिनके नसीब में, जिसके भाग में सफलता नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने कर्मों से ऐसे करके दिखाया कि दुनिया आज उसे बापू के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप असफलता से भागना चाहते हैं या असफलता को हरा करके सफल होना चाहते हैं? तो दोस्तों आप जो काम कर रहे हैं ना, उसको इतना शिद्दत से करें कि एक दिन सफलता आपके कदमों को चूमेंगे। बाकी जय हिंद।